रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं रेस्ट पार्ट, यानी आर्टिकल चार से लेकर हमने 9 तक डिस्कस किया पार्ट 1 में प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशंस को, कि जब प्रिविलेज होगी लोगों को कि वो एविडेंस ना दें, यानी वो गवाही ना दें। ठीक है, आर्टिकल 10 को आज डिस्कस करेंगे, और उससे पहले मैं आपको आर्टिकल 9 का थोड़ा बता दूँ। आर्टिकल 9 में ये था कि जो एडवोकेट को जो भी बातें क्लाइंट ने बताई, एडवोकेट के पास परमिशन नहीं है कि वो उन क्लाइंट की बातों को डिस्क्लोज करे, फिर उसकी एक्सेप्शंस भी थी। ठीक है, उसको आर्टिकल 9, 10, 11 एंड 12 जो QSO के यानी कानून शहादत ऑर्डर के, ये सब आपस में रिलेटेड हैं। आर्टिकल 9 में एडवोकेट को परमिशन जिस तरह नहीं थी कि वो नहीं डिस्क्लोज कर सकता वो बातों को, उन बातों को जो कि उसको क्लाइंट ने कही, इसी तरह आर्टिकल 10 में उस एडवोकेट के इंटरप्रेटर्स, मुंशी जो हो गए, क्लर्क्स हो गए या सर्वेंट जो भी उस एडवोकेट के हैं, वो भी उन कम्युनिकेशंस को, उन बातों को डिस्क्लोज नहीं करेंगे जो कि कहीं किसने, क्लाइंट ने किसको, एडवोकेट को, आर्टिकल 9 में। ठीक, आर्टिकल 10 में ये बातें कि ये मुंशी भी इन चीज़ों को डिस्क्लोज नहीं करेंगे, यानी यहाँ पर भी क्लाइंट के पास क्या है, प्रिविलेज है, प्रिविलेज है कि इनकी बातों को डिस्क्लोज ना किया जाए। दोस्तों, पार्ट 1 के लिए जो है वो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए, वहाँ से आप चेक कर सकते हो। ठीक है, आर्टिकल 11 जो है वो बात करता है प्रिविलेज नॉट वेव्ड बाय वॉलंटियरिंग एविडेंस। देखिए, आर्टिकल 9 में हमने क्या देखा कि एडवोकेट परमिटेड नहीं है, परमिशन नहीं एडवोकेट को कि वो कम्युनिकेट करे यानी डिस्क्लोज करे उन बातों को जो कि उसको क्लाइंट ने कही। लेकिन एक्सेप्शन एक ये भी थी कि अगर क्लाइंट कंसेंट दे दे तो फिर वो डिस्क्लोज कर सकता है। तो यहाँ पर ये जो आर्टिकल 11 है ना, दिस इज़ एक्चुअली एक्सप्लेनेशन टू दैट एक्सेप्शन, जो कंसेंट वाली एक्सेप्शन है उसकी एक्सप्लेनेशन देता है आर्टिकल 11। ये बात करता है कि अगर किसी एक केस में, एक प्रोसीडिंग में अगर वो क्लाइंट खुद गवाही दे, तब भी इसका मतलब ये नहीं होगा कि उस क्लाइंट ने कंसेंट दे दी है टू एडवोकेट टू डिस्क्लोज द कम्युनिकेशन। आई बात समझ, यानी क्लाइंट अगर खुद भी जब गवाही देने लगे कोर्ट में, तब भी एडवोकेट परमिटेड नहीं है कि वो डिस्क्लोज करे उन कम्युनिकेशंस को। यहाँ तक क्लियर हुआ, प्रिविलेज नॉट वेव्ड, तब भी क्लाइंट का वो प्रिविलेज वेव नहीं होता अगर वो जो क्लाइंट है। अब आगे बात करता है ये आर्टिकल कि अगर वो क्लाइंट एडवोकेट को एज अ विटनेस कॉल करे कोर्ट में, तो फिर क्या एडवोकेट को फिर परमिशन होगी? तो ये आर्टिकल आंसर करता है कि तब जो है वो एडवोकेट को परमिशन तो होगी, लेकिन टू द एक्सटेंट ऑफ द क्वेश्चंस आस्क्ड, यानी जो क्लाइंट ने क्वेश्चन एडवोकेट से पूछे हैं उस हद तक तो परमिशन होगी कि वो कम्युनिकेशंस को डिस्क्लोज करे, उससे ज़्यादा है। दिस इज सिंपल आर्टिकल 11। दोस्तों, नेक्स्ट जो है वो दैट इज आर्टिकल 12, जो कि बात करता है कॉन्फिडेंशियल यानी सीक्रेट प्राइवेसी, कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशंस विद लीगल एडवाइजर। दोस्तों, आर्टिकल 9 में ये हो रहा था कि एडवोकेट के पास परमिशन नहीं है कि वो डिस्क्लोज करें कम्युनिकेशंस मेड टू हिम बाय क्लाइंट, लेकिन आर्टिकल 2 में ये बातें हैं कि आर्टिकल 12 में ये बातें हैं कि जो क्लाइंट है उसको कंपेल नहीं किया जा सकता कि वो बताए कि क्या बातें हुई उसके और लीगल एडवाइजर यानी वकील के दरमियान। ठीक है, लेकिन एक्सेप्शन है इसकी, इसको हाँ कंपेयर तो नहीं किया सकता, लेकिन एक्सेप्शन है कि अगर ये खुद जो है वो गवाही देना चाहे, खुद बताना चाहे कि हमने क्या बातें की, यानी लीगल एडवाइजर क्लाइंट ने, तो फिर तो बता सकता है बड़ा है। तो दोस्तों, अब जो नेक्स्ट आर्टिकल है दैट इज आर्टिकल 13, जो कि बात करता है प्रोडक्शन ऑफ टाइटल डीड ऑफ विटनेस नॉट अ पार्टी। केस है मिस्टर ए के अगेंस्ट, एग्जाम्पल लेते हैं, केस है मिस्टर ए के अगेंस्ट, और मिस्टर ए जो है मिस्टर बी को लाता है उस केस में कोर्ट में एज अ विटनेस। कोर्ट जो है मिस्टर बी को कहती है कि छोड़ो मिस्टर ए के केस को, तुम जो है अपनी प्रॉपर्टी के टाइटल्स दिखाओ, टाइटल डीड दिखाओ। तो ये आर्टिकल 13 कहता है कि इस तरह के विटनेस को कंपेल नहीं किया जा सकता कि वो अपना टाइटल डीड दिखाए, क्योंकि दे आर नॉट अ पार्टी, तो इन दिस केस मिस्टर बी इज़ नॉट पार्टी। रीज़न क्या है, क्यों ना दिखाए, क्यों उसको कंपेल नहीं किया जा सकता? रीज़न है कि ऐसा भी हो सकता है कि अगर वो टाइटल दिखाए तो उसके टाइटल देखकर कोर्ट कहे कि भाई ये तो टाइटल आपके नाम पर ही नहीं है, ये तो किसी और के
और की टाइटल है, आपने किसकी प्रॉपर्टी को जब्त किया, यानी इससे खुद मिस्टर बी इनक्रिमिनेट हो रहा है, उसके अगेंस्ट क्रिमिनल दूसरा एक केस स्टार्ट हो सकता है, दिस इज द रीजन। ठीक है, तो इसकी वजह से इसको कंपेयर नहीं किया जा सकता। लेकिन एक्सेप्शन भी है, एक्सेप्शन ये है कि अगर खुद मिस्टर बी उन डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस करे और पर्सन सीकिंग यहाँ पर तो कोर्ट है, तो खुद अगर मिस्टर बी दिखाना चाहे उस टाइटल डीड को, उन डॉक्यूमेंट्स को, तो फिर तो दूसरी बात है, वरना इसको कंपेयर नहीं किया जा सकता। तो सब है आर्टिकल 14 जो कि बात करता है प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स व्हिच अनदर पर्सन हैविंग पोजेशन कुड रिफ्यूज टू प्रोड्यूस। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, मिस्टर ए जो है उसके पास है पोजेशन, किसकी पोजेशन, डॉक्यूमेंट्स की, इसके पास यानी डॉक्यूमेंट्स हैं, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स, लेकिन वो डॉक्यूमेंट्स हैं किसके, मिस्टर बी के, यानी मिस्टर बी इज एंटाइटल्ड टू हैव द डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स मिस्टर बी के हैं लेकिन पड़े मिस्टर ए के पास हैं, क्योंकि मिस्टर बी ने दिए थे मिस्टर ए को रखने के लिए। अब मिस्टर ए को कंपेल नहीं किया जा सकता कि आप ये डॉक्यूमेंट्स दिखाओ, ये आप ये डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस करो। ठीक है, सिंपल सी बात। लेकिन एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन क्या, कि अगर मिस्टर बी जो कि एंटाइटल है ना, जो कि ओनर है एक्चुअल डॉक्यूमेंट्स का, तो अगर मिस्टर बी कंसेंट दे दे कि हाँ मिस्टर ए आप जाएं और डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस करें, तो फिर मिस्टर ए कर सकता है, वरना मिस्टर ए को कंपेल नहीं किया जा सकता टू प्रोड्यूस द डॉक्यूमेंट्स व्हिच आर नॉट ऑफ हिम एक्चुअली। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमारा ये लेक्चर खत्म हुआ, प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन 2 लेक्चर्स में हमने इसको डिवाइड किया था। थैंक यू, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।